होता है, एक फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं, इससे हर कोई रिलेट कर पाएगा। मान लीजिए ये सामान्य है, सामान्य लंग की कैपेसिटी होती है 500 ml, हर सांस में हम लोग 500 ml ले रहे हैं, बट क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल इतना कम्फर्टिंग हो गया है, इतना कम्फर्टेबल जोन में हम लोग रहते हैं, एसी में रहते हैं, कहीं भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है, तो दिमाग ने क्या कहा कि यार 400 पे आ जा, 400 काफी है, इज सफिशिएंट फॉर यू, 500 की मेहनत क्यों करनी है, तब 400 पे आ गए। फिर फर्दर हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्योंकि मेंटल काम तो चलता जा रहा है बट फिजिकली कोई काम नहीं चल रहा है, तो अब नया सामान्य जो था वो 400 बन गया। कि विचार अब लंग्स को क्या लगता है, जो हमारे लंग्स है उनको ये लगता है कि 400 जो है यही सामान्य है, इतनी की जरूरत है, इससे ज्यादा मत करो, इतने की जरूरत है, इतना ही लो। एक दिन क्या होता है, आपको मिलना है आपके फ्रेंड से, आपका फ्रेंड आपके किसी मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहा है और आपको मेट्रो से उससे मिलने जाना है या फिर बस से जाना है आपको। तो क्या हुआ, आप जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आए आपने देखा कि मेट्रो जाने वाली है, उसके गेट बंद होने वाले हैं, आपने लिफ्ट से निकलते ही आपने इतनी स्पीड बनाई, आप भागे इतनी तेज। भागने के लिए क्या हुआ, अब लंग्स को अब जरूरत आई है कि अब मुझे 600 ml चाहिए। तो लंग्स अब भाग, हम इतनी तेज भागे, हम 600 के लिए कोशिश की, पर लंग्स ने तो जवाब दे दिया कि भाई मैं तो 400 तक ही कर सकता था, 600 तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तब आपकी सांस फूल जाती है, क्योंकि आपके लंग्स में इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो इतनी और एयर ले सके, इतनी और ऑक्सीजन ले सके और यूज कर सके। आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, और इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, अंजना भी हो सकता है, आपको हार्ट में पेन हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। तो अभी क्या हमें समझ में आया कि नॉर्मल जो था 500, अब हमने उसको नया नॉर्मल कुछ और बना दिया। अब पर हमें अगर जो कुछ और लेके आए हैं, अब उससे अभी हमें वापस 400 से 500 पे वापस आना है। तो कैसे आएंगे, डीप रिलैक्सेशन से लंग्स को रिलैक्स करेंगे कि ताकि वो 500 पर वापस आ सके। तो अब हम लोगों ने, अब तो हमें समझ में आ गया है कि डीप रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। अब आपको बीमारियां भी समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, कि देखा जाए हर एक बीमारी धीरे धीरे स्ट्रेस की वजह से ही है। अब वो सामान्य स्थिति का मतलब क्या है, इसके लिए इंग्लिश में टर्म है होमियोस्टेसिस। तो हमारी बॉडी क्या करती है, बार बार घूम के होमियोस्टेसिस पे आने की कोशिश करती है। हमको जितना भी स्ट्रेस मिला घूम फिर के वो कोशिश तो पूरी करती है कि होमियोस्टेसिस पे आए, पर वो क्योंकि नहीं आ पाती है तो शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती है। शुगर शुरू करते हैं, शुगर आपने इंटेक शुरू किया, शुगर हाई होता है, बॉडी रिलैक्स करके फिर नीचे लाने की कोशिश करती है, इतने में नया शुगर आ जाता है, फिर रिलैक्स करने की कोशिश करती है, इतने में छोले भटूरे आ जाते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, फिर कुछ और आ जाता है, लड्डू पायसम खीर पुडिंग कुछ भी। तो अब वो ना रिलैक्स नहीं कर पा रही है, जब नहीं रिलैक्स कर पा रही है तो नया बॉडी का जो शुगर लेवल है वो होमियोस्टेसिस से अलग है, और फिर आपको शुरू हो जाता है शुगर की दिक्कत, हाई शुगर हो गई आपको। इसी तरीके से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जितने भी मैं बीमारियों का नाम लूंगी, धीरे धीरे क्योंकि हम रिलैक्स नहीं हो पाते हैं तो इसलिए हमारी लाइफ में फिर बीमारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस तो है पर डीप रिलैक्सेशन नहीं है। आप कहेंगे कि रात को हम लोग सोते हैं तो क्या वो डीप रिलैक्सेशन नहीं है, वो एक डीप रिलैक्सेशन नहीं है, बिकॉज इनिशियली आपकी बॉडी डीप रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वो टाइम होता है 1 या 2 घंटे का जब आप स्ट्रॉन्गली डीप स्लीप में होते हैं, उसके बाद शुरू हो जाते हैं अनकॉन्शियस थॉट्स, और आप उसी तरीके से रिएक्ट करने जाते हैं जैसे आपके सपने होते हैं, सपनों में स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने जाती है, अगेन आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो डीप रिलैक्सेशन की जरूरत है, डीप रिलैक्सेशन का मतलब होता है कॉन्शियस ध्यान पूर्वक रिलैक्स करना। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की होगी, मेरे कैंप के जो लोग हैं उन्होंने जो क्लास अटेंड की है उन लोगों को याद होगा कि हम जब डायनामिक सूर्य नमस्कार करते थे उसके बाद एक शवासन का फेज होता था, वो था डीप रिलैक्सेशन, जिसमें मैं एक एक करके आपका ध्यान एक एक बॉडी पार्ट में लेके जाती थी कि आप अपना ध्यान इस वाले बॉडी पार्ट में लेके जाइए और ध्यान से कमांड कीजिए, कहिए उस अपनी ऑर्गन को, उस हिस्से को कि शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और ऐसे ही टो से लेके हेड तक हम अपने सभी अंगों को रिलैक्स करते थे।
वो होता है डीप रिलैक्सेशन। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात की है कि डीप रिलैक्सेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है, और किन किन बीमारियों में, मतलब हाइपरटेंशन हो गया, शुगर, डायबिटीज, ब्रोंकाइटिस, इनफैक्ट बॉडी में पेन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि बॉडी से पेन नहीं जा रहा है, बॉडी रिपोर्ट्स देखो, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं दिखता है पर बॉडी से पेन नहीं जा रहा है, बॉडी में नॉर्मल होम्योस्टेसिस पे नहीं आ रही है, बॉडी में पेन है। पेन है मींस स्ट्रेस है, उसको डीप रिलैक्सेशन चाहिए रिलैक्स होने के लिए, वापस होम्योस्टेसिस पे पहुंचने के लिए एक डीप रिलैक्सेशन चाहिए, और सभी को चीज की रिक्वायरमेंट है। तो आज हम लोगों ने बात की डीप रिलैक्सेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी वो ऐसी टेक्निक है जिससे हम डीप रिलैक्स कर सकते हैं। इस वीडियो के हम 3 सेगमेंट बनाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया डीप रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ब्रीफ बताऊंगी कि हम जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कौन कौन से पोस्चर्स की जरूरत है, कैसे कैसे करेंगे। एंड उसके बाद 3rd वीडियो जो होगी मेरी, वो वीडियो इस तरीके से होगी कि आपको वो वीडियो देखनी नहीं है, आपको वो प्ले करके अपने मैट के साइड में रख देना है। जो जो ऑडियो में बोला जाएगा, जितने से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आपको अपनी मैट पे वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। लगभग 30 से 40 मिनट की वो वीडियो होगी, तो उस वो होगा कंप्लीटली आपका डीप रिलैक्सेशन, जिसका नाम है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस टूल के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आज के लिए इतना ही, और बहुत धन्यवाद। थैंक यू।